वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में रियल माइक्रोफोन इसके अंदर अगर आपको जो है हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है और ये स्पीक कर रहा है, ये ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ बोले जा रहा है और हम जब टच करते हैं तो ये बॉक्स सा बन के आ जाता है जो कुछ वर्क करने में भी प्रॉब्लम फेस करता है। तो जैसे अभी हम टच करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा, ये देखे कोई ऊपर नीचे हम कहीं भी जाते हैं कोई टच वर्क नहीं कर रही इसके अंदर। तो ये जो हैंग हो गया ये आप कैसे शॉर्ट आउट करें ये मैं बता देता हूँ, बहुत इजी है। सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो इजीली जो है इस प्रॉब्लम को आप शॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके हम जो है इसका सारा सेटअप करेंगे। तो इसमें आपको टू फिंगर का यूज़ करना है, ये देखिए टू फिंगर यूज़ करेंगे तो आपकी टच जो है वो वर्क करने लगेगी। सेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उस पर डबल प्रेस करना है, ये ऑप्शन आ गया। अब जब ये ऑप्शन आ जाएगा फिर आप सिंगल फिंगर पे काम करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको इस पे टू फिंगर का ही यूज करना है, टू फिंगर पे ये वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, इसको मिलेगा और इस पे आपको डबल प्रेस करना है, ये ऑप्शन आ गया हमारा। ऊपर है हमारा सेलेक्ट टू स्पीक ऑफ है और टॉल बैक ऑन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पर डबल प्रेस कर देंगे, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम भी डबल प्रेस करके ये नीचे स्टॉप का ऑप्शन आ गया, यहाँ से सिलेक्ट डबल प्रेस और ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट। अब सिंगल फिंगर पर हमारी टच वर्क करेगी पूरी, कोई टेंशन नहीं है, आप देखें सिंगल फिंगर से हमारी टच वर्क कर रही है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।